अच्छी लंबाई के लिए योग को अपनाएं। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अच्छा कद या अच्छी लंबाई तो सबकी चाहत है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों की लंबाई अच्छी हो, और उसके लिए वो लोग बहुत कुछ प्रयास करते हैं। कई तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी देते हैं, आयुर्वेदिक या कुछ और भी, लेकिन उनसे इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप योग को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से लंबाई बढ़ेगी। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। क्लास में मैं बहुत साल से योग ले रही हूँ। एक बच्ची आई थी, उसके मम्मी पापा दोनों को थायराइड था और शॉर्ट हाइट थे, वो दोनों बहुत शॉर्ट हाइट थे। बच्ची भी बहुत शॉर्ट हाइट थी, उसे भी थायराइड था, लेकिन उसने मेरे यहाँ एक साल योगा किया। उसकी मम्मी ने यही बोला था कि अगर आप इसे प्लीज मेरे से थोड़ा लंबा कर दो, और वो मम्मी से 1.5 इंच लंबी हो गई। तो योग के जरिए केवल, हाँ केवल जो लंबाई का निर्धारण है, जेनेटिक तो है, लेकिन साथ ही साथ पोषण और पर्यावरण से भी निर्धारित होती है। और आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि बच्चों की लंबाई कम होती जा रही है। पहले की वनस्पत अब लोगों की लंबाई कम हो रही है, लेकिन इसका एक कारण ग्रोथ हार्मोन भी है, जो हमारे पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। और 3 एज में ही सबसे अधिक लंबाई बढ़ती है। लड़कों की तो 21 साल तक लंबाई बढ़ती है, लड़कियों की 18 साल तक मैक्सिमम। लेकिन योग का नियमित अभ्यास अगर आप करते हैं तो इससे लंबाई बढ़ती है, क्योंकि सही आसनों के अभ्यास से स्पाइन की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे पीठ और पैरों की मांसपेशियां भी खिंचती हैं, मसल्स खिंचती हैं तो लंबी होती हैं। इससे उनका पोस्चर सुधरता है, और पोस्चर सुधरने के साथ लंबाई भी बढ़ती है। इवन इतना ही नहीं है, अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप ग्रोथ हार्मोन का जो सीक्रीशन है वो सही मात्रा में होने लगता है, क्योंकि आपकी लंबाई बढ़ाने के लिए जिन हार्मोनों को सीक्रेट करना होता है वह आपके आसनों के अभ्यास से उत्तेजित होते हैं, और वो सही मात्रा में हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। ऐसे कुछ आसन है जिनके अभ्यास से ही ऐसा संभव है, लेकिन साथ ही साथ केवल योग आपको अकेले हेल्प नहीं करेगा। मैंने बोला आहार, क्योंकि हड्डियों की लंबाई के लिए, मांसपेशियों की, मसल्स की मजबूती के लिए भी आपको आहार ही लेना पड़ेगा। उसमें आपको क्या लेना है, दूध, दही, स्प्राउट्स, दालें, क्योंकि प्रोटीन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, जिंक भी चाहिए। इसके लिए हरी सब्जी, सीजन के फल और सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, इनका उपयोग तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने बताई है ये चीज़ें आप फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहना होगा अगर आप लंबाई चाहते हैं तो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लंबाई में बाधा डालेंगी। अगर आप योग करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, 100% लंबाई बढ़ेगी। मैं एक का तो उदाहरण दी हूँ, लेकिन मैंने कई लड़कियों, कई बच्चों को देखा है, क्योंकि मैं लड़कियों की क्लास लेती हूँ इसलिए मुझे मालूम है। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक और बच्ची छोटी आई थी, 5 साल की। उसकी भी मम्मी और पापा की हाइट कम थी, और उसने केवल 2 महीने में ही अपनी 1.5 इंच लंबाई बढ़ा ली है। तो आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं एक बहुत सीमा के बाद नहीं बढ़ेगी, लेकिन आम जितनी लंबाई बढ़नी है उससे अधिक तो बढ़ेगी लंबाई। तो योग इसमें बहुत मदद करता है। तो मैं आपको बताऊँ कौन कौन से, देखिए सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छा है हर दृष्टि से, लेकिन आज मैं आपको केवल 5 आसन बता रही हूँ कि जिनके अभ्यास से आप अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं। अगर आप 5 नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें से कोई 4 कर लें, लेकिन जितनी देर के लिए मैं जो पोस्चर बताऊंगी उतना तो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बोलूंगी आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर ताड़ासन, क्योंकि ताड़ासन का जो अभ्यास है ये बहुत
पावरफुल है, पूरे शरीर में आपके मसल्स में खिंचाव देता है। सांस भरते हुए आप अपने एड़ी को ऊपर उठा लें, जितनी उठा सकते हैं। ये केवल आपको लंबाई नहीं देगा, ये आपके कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा। और बच्चों में तो इन सब की जरूरत है, और इसका अभ्यास 5 से 7 बार करना है। सांस भरते हुए उठें और कुछ सेकेंड वहां रुकें, और उसके बाद धीरे से ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। कम से कम 8 से 10 सेकेंड रुकें, फिर नीचे आ जाए। मैंने आपको केवल 2 बार बताया है। अब इसके बाद मैं एक अभ्यास बैठ के बता रही हूँ, पश्चिम तानासन। पश्चिम तानासन के लिए पांव को लंबा कर लें, पैरों को फैला लें समानांतर, और उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचें, ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार कोहनी जमीन पर, माथा घुटनों पर, और अपने अंगूठों को पकड़ लें, पंजों को पीछे की ओर खींचें। आप देखेंगे इससे आपकी पीठ की मांसपेशियां, स्पाइन की, पैरों की, जांघों की सभी खींच रही हैं। तो ये जो खिंचाव मिल रहा है, यही तो लंबाई को बढ़ाएगा। इस अभ्यास से लंबाई बहुत अच्छी बढ़ती है। और अपनी क्षमता के अनुसार 1 मिनट 2 मिनट रुके और सांस भरते हुए सीधे हो जाए। आपने देखा कठिन नहीं है, लेकिन शुरुआत में एकदम से कोई भी बच्चा या कोई भी मतलब नहीं जा पाएगा। हम लोगों का अभ्यास इसलिए हम लोग चले जाते हैं। हाँ, अभ्यास करते करते हर कोई वहां पहुंच सकता है। कुछ नहीं करना, आप ऐसे ऐसे भी करेंगे ना धीरे धीरे, तो आप ऐसा करते करते एक दिन वहां अपने आप पहुंच जाएंगे। सांस भरेंगे सीधे ऐसे हुए और ऐसे लगा दिए और सांस भरते सीधे। शुरुआत बेशक आप आधा 1 मिनट से करें, फिर इस पोज में कम से कम 2 मिनट तो जरूर रुके, क्योंकि 2 मिनट तक जब तक लगातार मांसपेशियां खींचेंगी तो धीरे धीरे वहां पर खिंचाव आने से मतलब पोस्चर तो सुधरेगा ही, लेकिन खिंचाव आने से लंबाई इसी तरह से बढ़ेगी आपकी। दूसरा मैं बोलूँगी भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत अच्छा, सरल है और हर कोई कर सकता है। इसका भी स्पाइन पर सामने 70 है, थाइस पर 70 बसर है। सांस भरते हुए अपने ट्रंक को रेज करें, गर्दन को पीछे मोड़ लें और लंबी गहरी श्वास के साथ रुकें। लगातार श्वास प्रश्वास लें, छोड़े। अब इसमें भी आप कम से कम शुरुआत बेशक 1 मिनट के लिए करें, फिर 2 मिनट तक, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। ये था दूसरा अभ्यास। अब मैं आपको बोलू तीसरे अभ्यास के लिए। ये तीसरा था अब सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए सीधे लेटिए, हाथ पीछे है, पांव सामने है, और अब ब्रीद आउट करते हुए पांव और हाथ को एक संग उठाइए, कमर को मोड़िए, यू के शेप में शरीर को बनाइए। ये ब्रीद आउट तक है। अब सांस भरते हुए अपने पैरों को बिल्कुल ऊपर आसमान में उठा दीजिए। इस पोज में भी आपको 2 से 5 मिनट, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के मतलब जो सीक्रेशन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करने वाली मेन है, तो वो उसको ये सही कर देता है। वहां पर उसका प्रभाव है, एक्ट करता है ये, जिससे आपका ग्रोथ हार्मोन सही मात्रा में सीक्रेट होगा तो लंबाई भी बढ़ेगी। अभी मैं लंबाई की बात कर रही हूँ, वरना ये पोज तो देखिए सबके लिए करने के लिए बहुत अच्छा है। सिर से पांव तक सभी रोगों को ये ठीक भी करता है। और इसमें आपने मैंने बोला शुरुआत आप 1 मिनट के लिए करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास से इसमें 2 से 5 मिनट के लिए रुके। ये आपका अभ्यास अकेला ही बहुत प्रभावशाली है, सर्वांगासन। अब इस अभ्यास के बाद पर आंख बंद करके ही पोज करने हैं, आंख खोल के नहीं, क्योंकि सिर की तरफ ब्लड आ रहा है, तो आंख बंद होनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास लगातार लेंगे छोड़ेंगे,
और जब पोज बना रहे हैं तो छोड़ते हुए, जब नीचे आ रहे हैं तो सांस भरते हुए। अब इसके बाद मैं बोलूंगी चक्रासन, ये भी आसन बहुत सरल है और ये भी आपके हार्मोन को सीक्रेट करने में सहायता करता है, सारे हार्मोनों को बैलेंस करता है शरीर के, लंबाई के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए देखिए मैं हथेलियों को अपने कंधों की साइड ऐसे जमा लिया है, उंगलियां पीठ की तरफ है, पूरा पांव जमीन पर है, उठाना नहीं है पंजे को, और बस सांस भरते हुए पीठ को उठाया, पूरी पीठ देखिए पीछे की ओर मुड़ी हुई है, स्पाइन के ऊपर एक बहुत अच्छा है खिंचाव है, पेट पर है, थाइस पर है, आप देख रहे हैं पूरे शरीर पर है, और यही खिंचाव आपको लंबाई में हेल्प करेगा। और यहाँ भी आप बेशक एक मिनट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे 2 मिनट तक आए, 2 मिनट से ज्यादा मैं किसी में नहीं बोल रही हूँ, केवल एक सर्वांगासन में बोल रही हूँ, बाकी सब वही है 1 मिनट 2 मिनट, इतना तो आप कर सकते हैं। बस यही 5 जो आसन मैंने बताए हैं, इन 5 आसनों में से आप कोई 4 आसन भी करेंगे लेकिन नियमित रूप से, तो देखेंगे लंबाई 100% बढ़ेगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन हाँ, आहार को आपको सुधारना पड़ेगा, आहार जैसा मैंने बोला आहार वैसा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इन आसनों से थायराइड भी स्वस्थ होता है और थायराइड भी आपकी लंबाई को रोकता है। तो आसनों का अभ्यास ऐसा, आप डाइट भी ऐसा लेंगे, पानी बहुत पिएंगे, पानी भी आपको बहुत पीना है, नींद बहुत अच्छी लेनी है, क्योंकि नींद के दौरान ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद, नियमित अभ्यास, स्वस्थ आहार, अगर इन चीजों का आपने पालन किया तो बिल्कुल गारंटी है कि आपकी लंबाई बढ़ेगी। मेरा ये वीडियो क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, क्लास में देख चुकी हूँ मैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों की लंबाई के लिए इन आसनों का अभ्यास प्रतिदिन कराएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और अधिक से अधिक लाइक तो एक ही बार होगा लेकिन शेयर अधिक से अधिक करिएगा, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।